औरत के कितने रूप, त्रिया चरित्र की यह सुंदर कहानी मैं आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूं। औरत के कितने रूप होते हैं, औरत अपने पति की, अपने घर वालों की शत्रु कब बन जाती है, कौन सी बड़ी से बड़ी कुर्बानी औरत हंसते हंसते दे देती है, यही सब आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। कहते हैं इन चार स्थानों पर स्त्री सबसे नाता तोड़ सकती है। मित्रों, जिस औरत को ममता का रूप माना जाता है, जिसे ममता की देवी कहा जाता है, करुणा की मूर्ति कहा जाता है, वह स्त्री एक दिन ऐसा भी आता है कि हर प्रकार के मोह से नाता तोड़ लेती है। वो इतनी कठोर बन जाती है, फिर उसके समान पत्थर भी कठोर नहीं रहता। औरत किन किन स्थानों पर पत्थर से भी कठोर बन जाती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, ये बात आपके जीवन में बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, बारिश के मौसम में एक पेड़ पर एक नीलकंठ और एक नीलकंठनी बैठे हुए थे। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। नीलकंठ कह रहा था कि स्त्रियां बहुत कठोर होती हैं और नीलकंठनी कह रही थी कि पुरुष बहुत कठोर होते हैं। अब दोनों में किसकी बात सही थी और किसकी गलत, इस बात का निर्णय करने वाला वहां कोई तीसरा नहीं था। दोनों के बीच बात हद से पार हो गई। आखिरकार वे दोनों वहां से उड़ते हुए चल दिए और कहा कि चलो हम इस बात का फैसला कराएंगे। फैसला कराने के लिए वे दोनों एक गिद्ध के पास पहुंचे जो एक पेड़ पर बैठा बारिश में भीग रहा था। नीलकंठ ने कहा, गिद्ध चाचा कैसे अकेले अकेले बैठे भीग रहे हो, अकेले अकेले कोई काम अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, इसलिए हम भी आपके साथ बैठकर समय बिताएंगे। गिद्ध ने कहा, हाँ बच्चों आओ बैठो, वैसे भी बुढ़ापे से लोग नफरत करते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए कोई मेरे पास बैठने के लिए नहीं आता। कहते हैं डूबते सूरज को कोई नमस्कार करने नहीं जाता। तब नीलकंठ और नीलकंठली बोल पड़े, चाचा हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं, क्या आप हमें बता सकते हो कि स्त्री और पुरुष में सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है। हम दोनों में इसी बात को लेकर कई दिन से झगड़ा होता चला आ रहा है। तब गिद्ध कहता है, देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, अगर ये कहानी आपने ध्यान से सुन ली तो आपकी समस्या का समाधान अपने आप निकल जाएगा। मित्रों, इस प्रकार गिद्ध काका और नीलकंठ और नीलकंठनी को एक बड़ी रोचक कहानी सुनाते हैं। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वो राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, 12-13 वर्ष होगी। वो राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस समय 14 साल का था। राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वो राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी, एक सुंदर राजकन्या के साथ उसकी शादी हो गई। इस प्रकार से धीरे धीरे राजकुमार ने अपने पिता की तरह सात विवाह कर लिए। राजकुमार भी सात रानियां लेकर बहुत खुश था। राजकुमार जो कि राजा बन गया था, वो अपनी पढ़ाई लिखाई अभी भी करता था। वो रोज विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिली। पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा कि हे राजकुमार, आप रोज रोज कहाँ जाते हैं। वो राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने जाता हूँ, विद्या ग्रहण करने जाता हूँ अपने गुरु के पास। पनिहारिन कहती है, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए, आपने कभी त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ा है, क्या आपके गुरु ने कभी आपको ये पाठ पढ़ाया। राजकुमार कहता है, नहीं, ये कौन सी विद्या है, ये त्रिया चरित्र क्या होता है। पनिहारिन ने कहा, आप ये बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद में वो राजकुमार वहां से चल देता है। उस पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था, उसकी आंखें लाल थी।
वो अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरु जी ने पूछा कि बेटे क्या हुआ, आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव आपने मुझे तिरियाचरित्र क्यों नहीं पढ़ाई, ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई, तिरियाचरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। तब गुरु जी कहते हैं कि बेटा तुम तिरियाचरित्र नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि तिरियाचरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और जब तुम तिरियाचरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है गुरुदेव इसकी चिंता ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे तिरियाचरित्र पढ़ाइएगा। गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटे, यदि तुम तिरियाचरित्र जानने के इतने ही शौकीन हो तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मित्रों तब गुरु उसे तिरियाचरित्र का पाठ पढ़ाने लगते हैं। तिरियाचरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को एक वर्ष बीत जाता है और जब एक वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा बेटा तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो, अब तुम्हें यहां आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है गुरुदेव उसे रोकते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुम्हें एक चीज देना तो भूल ही गया, मैं तुम्हें ऐसा गुटका देता हूं, ये गुटका जब तुम अपने मुंह में लगा लोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। इस प्रकार मित्रों वो राजकुमार वो गुटका अपने हाथों में लेकर गुरु को प्रणाम करके वहां से चला आता है। गुरु ने उसे समझा दिया था कि देखो कि तुम इस गुटका को ले जाओ और आज ही की रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर चले जाओ तो ये गुटका अपने मुंह में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। तब राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव मैं ऐसा ही करूंगा। वो गुटका लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती हैं। आधी रात के समय वो राजकुमार अपने हाथों में गुटका लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वो राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने मुंह में गुटका लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि वही फनिहारी जो उसे रास्ते में मिली थी, जिसने उससे कहा था कि तिरियाचरित्र की पढ़ाई पढ़ो, वही फनिहारी ने एक थाली में खाना लेकर आधी रात को कहीं चलती जा रही थी। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक साधु की कुटिया थी। वो फनिहारी ने उस साधु के पास खाना लेकर जा रही थी। राजकुमार ने देखा कि ये तो वही फनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि तिरियाचरित्र की पढ़ाई करो, लेकिन फनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के मुंह में गुरु का दिया हुआ गुटका लगा हुआ था। गुटका लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान में नहीं आ रहा था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका कारण क्या है। वो राजा भी उसके पीछे पीछे चलता हुआ चल दिया। अब वो पनिहारिन उस कुटिया में उस साधु के यहां पहुंचती है। उस बाबा के पास एक जादू की पोटली थी। वो बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे जाता है ये देखने के लिए कि देखें वो पनिहारिन और वो बाबा क्या करते हैं। साधु ने उस पनिहारिन से कहा अरे पनिहारिन पहले तू मुझे ये बता कि आज मेरे पास आने में तुझे इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर वो पनिहारिन कहने लगी कि प्रीतम प्यारे मेरा गौना हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हैं, हमें लेकर कब चले जाएंगे कोई पता नहीं, इसलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में देर हो गई, मैं क्षमा चाहती हूं। मित्रों जब ये बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है तो वो साधु कहता है कि हे पनिहारिन इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो तो हमारे पास क्यों चली आई, जाओ यहां से। पनिहारिन कहती है कि हे प्राणनाथ मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूं। तब साधु कहता है कि हे पनिहारिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तब साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि पनिहारिन तुम इसी क्षण जाओ और अपने पति की गर्दन काट कर ले आओ, तुम अपने पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बनकर आ गया है।
तब मैं तुम्हें रखूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वो पनिहारिन चाकू लेती है और दौड़ते हुए अपने घर की ओर जाती है। और उसका पति सो रहा था, वो जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। और मित्रों, उधर जो राजकुमार था वो उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि ये स्त्री बड़ी निष्ठुर है, अपने पति को मारकर उसकी गर्दन साधु के पास लेकर आई है, ये देखकर साधु को बड़ा गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जा यहां से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तूने फेरे लिए थे तो मेरी क्या होगी, जल्द ही भाग जाओ, अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गिद्ध कहता है, हे नीलकंठ ध्यान से सुनना। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी वो अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर के आई और उसकी गर्दन धर के पास रखकर वहीं बैठ जाती है। इधर जैसे ही सवेरा होता है अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वो पनिहारिन पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी उन्हीं लोगों के साथ में जा रहा था जो अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, तेरी अचरित्र जाने न कोई, खसम मार के सती हुई। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया लेकिन वो पनिहारिन समझ जाती है। पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारिन कहती है कि जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। राजकुमार कहता है, बताओ क्या बताना चाहती हो। पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, जीवन में आप कभी चटाई पर भूल कर मत बैठना और अगर बैठना तो पहले उसे झाड़ लेना। तब राजा कहता है, हे पनिहारिन ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारिन कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है। और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही गुटका मुंह में लगाकर राजकुमार पूर्व दिशा की ओर जाता है और उसी स्थान पर चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उसकी ही सातों रानियां भोजन की थाली अपने हाथों में लेकर उसी बाबा की कुटिया की तरफ जा रही थी। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाया क्योंकि राजकुमार अपने मुंह में गुरु का दिया हुआ गुटका लगाए हुए थे। वो गुटका लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पा रहा था। उनमें से एक रानी कहती है कि हे लड़के, इतनी रात को तू यहां क्यों खड़ा है, चल हमारी थाली लेकर उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने थाली अपने हाथों में ले ली और अपने रानियों के साथ कुटिया की तरफ जाने लगा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती है, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस बाबा के पास आती है, इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां यहां आई है। वो राजकुमार छुप करके सब जानना चाहता था। इधर जब वो सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि ये कौन है। तो सातों रानियां कहती है कि महात्मा जी, ये बालक हमें रास्ते में मिला इसलिए हमारी सहायता की, तो हम इसे अपने साथ लेकर चले आए। रानी कहती है, काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं,
कल सुबह होते ही ये चला जाएगा। वो साधु उनकी बातों को मान लेता है। वो साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि जाओ आज के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था यही कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है और उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। वो शिष्य राजकुमार को इतना कहकर बाहर से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। फिर राजा कहता है चलिए कोई बात नहीं आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारी की वो बात याद आ गई। वो सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई पर मत बैठना, पहले उसे झाड़ लेना। चलो आज पहले इस चटाई को झाड़ लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा कि एक बहुत भयानक गहरा कुआं है। राजा ने जब उस कुएं में देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद कर रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वो आदमी राजकुमार से कहता है कि हे राजकुमार आप यहां कैसे आ गए। राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब आप यहां से भाग जाइए, हम तो यहां से निकल नहीं पाए लेकिन आप यहां से भाग जाइए नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है, आप भी यहां फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर ये साधु इसी कुएं में डाल देगा, आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाइए। राजा जब उस कमरे में अंदर गया तो अपने मुंह में से उसने गुटखा निकाल लिया और जब राजा वहां से भागा तो अपने मुंह में गुटखा लगाना भूल गया। राजा को भागते हुए रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती हैं ये तो हमारे पति हैं। रानियां उस महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी आप तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, ये तो हमारे पति हैं और वो देखो भागे जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। वो साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर ले आओ। सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती हैं लेकिन वो जो राजा था इतना तेज भागा कि वो अपने महल में जा पहुंचा। सभी रानियां घबरा गईं, रानियों के तो होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती है महाराज अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे, महात्मा जी आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वो साधु और रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम अपने महल में जाओ तो अपने पति को बहला फुसला कर उसके माथे में ये कील ठोक देना, ये जादुई कील तुम्हारे पति को भेड़ बना देगी, फिर तुम सातों मिलकर उसे मार देना, बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सातों रानियां तैयार हो जाती हैं अपने पति को मारने के लिए। वो सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महलों में आती हैं। वो सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वो अच्छी रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती हैं। तो वे छह रानियां मिलकर वो जादुई कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं लो ये काम तुम्हारा है, तुम किसी भी तरह से राजकुमार के माथे में ये कील ठोक देना। वो छोटी रानी कहती है ठीक है बहन, वो कील छोटी वाली रानी लेकर रख लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया है इसलिए हमसे ऐसी गलती हो रही है, अंधा ऐसा नहीं होगा। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है क्योंकि वो राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वो राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। राजा अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है ठीक है तुम अपने कमरे में चली जाओ, सबसे छोटी रानी जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था वो सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वो राजा सो जाता है तो रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी
यानी जो सबसे छोटी रानी जो थी वो उस जादुई कील को निकालती है और राजा के माथे में ठोक देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोकी, राजा एकदम भेड़ा कर उठता है, लेकिन उतने समय में वो तब तक भेड़ बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो रानियों से मुकाबला कर सके। वो सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा। अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे माफ कीजिए, आज मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, अब तुमने देख लिया ना इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्द ही मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी ही पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं मेड़ा बन गया हूं। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि वही कील है जो वो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत करिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तब गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय कर देता हूं। राजकुमार कहता है, क्या गुरुदेव? तब गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें भेड़ से तोता बना सकते हैं, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम अपनी जान बचाकर राजा सुखपाल के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहने लगना, क्योंकि उस राज्य में वो साधु का जादू नहीं चलता है। वो राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। उसी समय मित्रों गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वो तोता बनने के बाद वहां से उड़कर राजा सुखपाल के राज्य में चला जाता है। एक जंगल में एक पेड़ पर बहुत सारे तोता बैठे हुए थे। वो राजा भी तोता बनकर उन्हीं के बीच जाकर रहने लगा। इधर राजा की सातों रानियां उसे खोज रही थी। काफी खोजबीन करने के बाद राजकुमार नहीं मिला तो वो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, वो राजकुमार तो भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वो कहाँ है। वो महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वो राजकुमार तोता बनकर राजा सुखपाल के राज्य में पहुंच गया है। वो साधु ये सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं, हे स्वामी अब हम क्या करें। तब साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर ये घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5-5 सोने के सिक्के देंगे। वो सातों रानियां अपने महल में पहुंचती हैं और वहां पर घोषणा कर देती हैं कि सभी बहलिया से कह दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने की मोहरे देंगे। उस राज्य के जितने बहलिया थे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते थे वे उसे लेकर रानी के पास आते थे और 5 सिक्के लेकर वो तोता देकर चले जाते थे। सातों रानियां उस तोते को मार डालती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। राजकुमार जो तोता बनकर वहां गया था वो अन्य तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोताओं को लगा कि ये तोता तो बहुत समझदार है, ये तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोता मिलकर के उसे राजा बना लेते हैं। वो राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक दिन एक बहलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखपाल राजा के राज में पहुंच जाता है और वो उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वो राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहलिए ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने की मोहरे मिलेंगे। लेकिन वो बहलिया सोचता है कि हम इतने सारे तोतों को पकड़ेंगे कैसे। इधर जैसे ही सुबह हुआ उस पेड़ से सारे तोता उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले गए। इधर बहलिया क्या करता है, अपने चाकू से पेड़ पर चारों तरफ गोद देता है जगह जगह पर, जिससे कि पेड़ से बहुत सारा गोंद निकलने लगता है। अब तो पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद चिपक जाता है। अब वो बहलिया सोचता है कि जब भी वो सारे तोते आएंगे इस पेड़ पर बैठेंगे वो सभी इस गोंद से चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। बहलिया वहीं छिपकर बैठ जाता है। इधर जब शाम को सारे तोता वापस आते हैं और वो तोता जैसे ही पेड़ पर बैठते हैं सभी का पैर उस गोंद में चिपक जाता है, क्योंकि पूरे पेड़ पर गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए, उसमें राजकुमार को भी जो तोता बना हुआ था वो भी चिपक जाता है। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं,
क्योंकि वे सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं कि राजकुमार, अब कुछ भी करके हम सबको इस मुसीबत से बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक बहेलिया आएगा और हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। तब राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब वो सुबह बहेलिया आएगा तो तुम सभी कुछ ऐसा करना कि उसे ऐसा लगे जैसे सारे तोते मर चुके हैं, और जब वो सभी तोतों को पेड़ से छुटाकर नीचे फेंकेगा तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं ठीक है गुरुदेव। सुबह जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा, सभी तोता वैसे ही लटके हुए थे जैसे कि वो मरे हुए हों। जब बहेलिए ने तोतों को देखा तो सोचा कि अरे ये तो क्या हो गया, ये तो सब मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिए ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना तो उपकार कर ही सकते हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ा छुड़ा कर नीचे फेंकने लगा। बहेलिए ने सभी तोतों को छुड़ा कर नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वो पेड़ पर अभी भी चिपका हुआ था, और नीचे जितने भी तोते थे वो सभी छोड़कर भाग गए। बहेलिए ने सोचा अरे ये क्या, जितने तोतों को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका है वे सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा इसका मतलब ये सारे तोताओं ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वो राजकुमार जो था उसकी चंगुल में फंस जाता है। बहेलिया उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि जरूर इसी तोते की चाल होगी, इसीलिए ये सबसे बाद में रह गया है। अब मैं इसे लेकर जाऊंगा, रानी के हाथ बेच दूंगा, मुझे 5 सोने की असरपी मिलेगी। मित्रों, इधर वो बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास ले चलने लगता है। रास्ते में वो तोता कहता है जो राजकुमार था, हे बहेलिया, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो। वो बहेलिया कहता है मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं, अगर मैं तुम्हें वहां बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार कहता है कि अगर मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम तब भी मुझे बेचोगे। बहेलिया कहता है तुम्हें बेचना तो है ही, लेकिन तू मुझे 50,000 सोने के सिक्के कहां से दिलाएगा। तो वो तोता कहता है राजा सुखपाल के राज्य में एक मेला लगता है, बाजार लगती है, और तू मुझे ले जाकर उसी बाजार में बेच दे, मैं तुझे राजा से 50,000 सोने के सिक्के दिला दूंगा। मित्रों, वो बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह वो राजा सुखपाल के राज्य में तोते को बेचने ले जाता है। और सुखपाल राजा के राज्य में ये नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक बिकने से रह जाता था तो वहां का राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। इधर वो बहेलिया तोतों को लेकर बाजार में पहुंचा। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वो पूछता था कि ये कितने का है, तो बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वो तोता अपना दाम इतना बता देता था कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पा रहा था। ऐसे ही करते करते जब शाम हो गई, और शाम हो गई, सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए। सभी की दुकान उखड़ चुकी थी, बस एक बहेलिया और तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ किसी का सामान तो नहीं रह गया है बिकने से। जब राजा के सिपाही आते हैं तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो वो तोता कहता है जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वो सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। वे सिपाही भागे भागे राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। कहते हैं कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वो तोता अपना मूल्य स्वयं बता रहा है, वो इतना महंगा बताता है, शायद इसी वजह से किसी ने उसे नहीं खरीदा। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वो तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं कि वो अपना मूल्य 50,000 सोने की मोहरे। राजा कहता है कि चलिए हम स्वयं चलकर वो तोता खरीदेंगे, अगर हम उसका तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी कि राजा के बाजार में वो तोता नहीं बिका, और वो नाराज होकर चला जाएगा। वो राजा अपने मंत्रियों के साथ रथ पर बैठकर बाजार में पहुंचता है। राजा बहेलिए से कहता है कि बहेलिया इसका क्या मोल है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है राजा साहब अपना मोल तो तोता स्वयं बताएगा। वो राजा तोते से पूछता है
तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिए को पकड़ा देता है। राजा तोता को लेकर अपने महल में चला जाता है। वो तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वो राजा था। वो तोता राजा के यहाँ जाकर राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता था तभी वो तोता उसे सूचित कर देता था। राजा साहब पर आया हुआ खतरा टल जाता था। राजा उस तोते से धीरे धीरे बहुत प्रेम करने लगे थे। जब ये बात रानियों को पता चली कि राजा एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो तोता बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, तो रानियां राजा से कहती हैं कि उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोता को देखना चाहते हैं, हम भी उस तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वो तोता रानियों के पास भेज देता है। वो रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। वो रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे तोता, इसलिए तुझे राजा साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। मित्रों, राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़े ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, आज से तुम इस तोते का ध्यान रखोगी, कल तुम इसे अच्छे से नहा धोकर इसको सजाओगी। वो राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करने लगती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने धुलाने जाती है। जब राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सर में एक कील धसी हुई है। राजकुमारी ने उस कील को निकाल लिया। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है वो तोता पहले की तरह सुंदर राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है, घबराओ नहीं, यह कील वापस मेरे सर में ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वो राजकुमारी उस कील को राजकुमार के सर में ठोक देती है। तुरंत ही वो राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है। वो तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वो राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को सुनाता है और कहता है, माफ करना ये दास्तान, और कहता है, माफ करना ये दास्तान तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकन्या इसके बारे में अपने माता पिता को नहीं बताती है। मित्रों, दिन भर समय बीतता है। रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती है और उसके माथे की कील निकाल देती है। वो राजकुमार बन जाता है और रात में वो दोनों साथ में ही रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। मित्रों, इधर क्या होता है, जो राजकुमार की पत्नियां थी वो बहुत सारे तोते खरीद कर मरवा देती है, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो उन्हें नहीं मिलता है। फिर वे सातों रानियां उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि साधु महाराज, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, अब हम क्या करें, उन्हें कैसे मारें। तब वो साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वो राजकुमार अभी तक तो तोता बना हुआ है और उसी राजा के घर में रह रहा है। साधु उन सातों रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम सब नृत्य कला सीख लो। जब हम सभी मिलकर उस राजा के घर जाएंगे, नृत्य कला का प्रदर्शन करेंगे और राजा को अपनी कला से लुभा लेंगे तो राजा हमें कुछ मांगने को कहेगा, फिर हम आसानी से उसी तोते को मांग लेंगे। इस प्रकार से मित्रों, वे सातों रानियां नृत्य कला सीखती है। वो साधु तबला सीखता है और पूरी तरह से नृत्य कला सीख जाती है। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। वो साधु का भेष बदल करके उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बना करके राजा सुखपाल के दरबार में पहुंच जाता है। राजा उस साधु से कहता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। वो साधु कहता है, हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। राजा सुखपाल को भी गाने बजाने का बहुत शौक था, वो मान जाते हैं। उधर वो साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंचती है तो तोता समझ जाता है कि वो साधु हमारी सातों रानियों को लेकर बेस बदल कर यहां पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। जब रात हुई तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उस तोते के सर से कील निकालती है। वो तोता राजकुमार बन जाता है। वो राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है, कहता है कि देखो, ये जो गाने बजाने वाले लोग आए हैं ये वही साधु है और ये सातों वही मेरी रानियां हैं जिन्होंने मुझे तोता बनाया है। ये राजा को खुश करके बदले में मुझे मांगना चाहते हैं और ले जाकर मुझे मार देंगे। राजकुमार कहता है
राजकुमारी, जब राजा तुमसे मुझे मांगने आए तो तुम मुझे मत देना, जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना, कह देना कि मैं इस तोता को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजड़े को फेंक देना, उसके बाद अपने बचने का रास्ता मैं स्वयं ढूंढ लूंगा। राजकुमारी कहती है ठीक है। मित्रों, इस प्रकार वहां पूरी रात गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उनसे कहता है कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो? वो साधु और वे सातों रानियां कहती है, जो आपके पास तोता है जिसे आपने कुछ दिनों पहले खरीदा है, वो तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि तोता मुझे दे दो, राजा ने मंगवाया है। राजकन्या कहती है नहीं, मैं तोते को नहीं दूंगी। मंत्री कहता है देखिए आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है तुम जाओ और मेरे पिताजी को भेज दो, वे स्वयं आकर मुझसे तोता ले जाए। मंत्री राजा को सारी बात बताता है। अब तो राजा स्वयं चल कर आते हैं उस तोते को लेने के लिए। जब वो राजा स्वयं अपनी बेटी के पास पहुंचता है और कहता है कि बेटी ये तोता आप मुझे दे दो, मैंने किसी को इसे देने का वचन दिया है, मुझे नृत्यकला वालों को इसे देना है जिन्होंने रात भर यहां गाना बजाना किया है। तो राजकुमारी कहती है पिताजी ये तोता मैं नहीं दूंगी। ये सुनकर राजा क्रोध में भर जाता है, कहने लगा बेटी ये कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है, मेरा वचन झूठा हो जाएगा। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकन्या गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है, जैसे कि राजकुमार ने उसे कहा था कि वो पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वो टूट गया और तोता जो था वो सरसों का दाना बनकर लुढ़कने लगा। उधर वो साधु एक कबूतर बनकर आता है, सोचा कि इस दाने को खाकर मैं इसे नष्ट कर दूं, और उस दाने को चुगने लगता है। इतने में वो दाना जो था वो एक नाले में चला जाता है, नाले में गिरते ही वो बाज बन जाता है और एकदम से बाज बनकर वो कबूतर पर झपट्टा मारता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बाज उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते के सिर से कील निकाल देती है और वो फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। मित्रों, तोते से राजकुमार और राजकुमार से सरसों का दाना और फिर बाज बन जाना, ये सारी कलाएं उस राजकुमारी ने उस तोते को सिखाई थी। राजकन्या अपने पिता को सारी बात बता देती है। वो राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वो राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी कहती है हाँ पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूं। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उसकी सातों पत्नियां थी उनको पकड़वा कर बंदी गृह में डलवा देता है और खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। यही है त्रिया चरित्र की पढ़ाई, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। मित्रों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि स्त्री वैसे तो ममता, दया और करुणा की खान होती है, लेकिन अगर वो किसी पर पुरुष के प्रेम संबंध में पड़ जाए तो वो अपने पति, पुत्र, पिता यानी कि कोई भी उसके बीच में रोड़ा बनता है तो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उस समय स्त्री सबसे बड़ी कठोर हृदय वाली बन जाती है। दूसरा स्थान वो है जहां स्त्री कठोर बन जाती है, जब वो अपने परिवार पर किसी की बुरी दृष्टि देखती है तो वो उस समय अत्यंत कठोर बन जाती है, परिवार की हिफाजत के लिए वो मृत्यु से भी लड़ जाती है। तीसरी बात, औरत अपने पुराने बैर को याद करके अत्यंत कठोर बन जाती है। बैर चाहे वर्तमान का हो, वो कभी बैरी के साथ नरम रुख नहीं अपनाती। नंबर चार, अपना पाप छुपाने के लिए वो कठिन से कठिन कष्ट सहन कर सकती है, अपने किसी प्रिय की मृत्यु भी देख सकती है, उसे मार भी सकती है, परिवार का विनाश भी देख सकती है और बंधन में भी पड़ सकती है। तो दर्शक बंधुओं, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अपनी कीमती राय कमेंट में भेजना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।